एक बार फिर से देश और दुनिया के खबरों के साथ मैं आपका अक्षय सिंह हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और जुड़ते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास में। लेकिन उसके पहले आज बहुत ही बढ़िया तारीख है और बहुत ही बढ़िया दिन है, 24 मई ब्रदर्स डे। भाईचारे की मिसाल पेश करने वाले ब्रदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कहा जाता है कि दो भाइयों का रिश्ता खून का सबसे गहरा रिश्ता होता है, तो आप अगर बहुत सारे भाई हैं तो आपके रिश्ते कैसे हैं एक बार फील करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। कहते हैं ना, आपका पड़ोसी भी आपका भाई हो सकता है, जरूरी नहीं कि रिश्ता खून का ही हो, रिश्ता दिलों का भी होना चाहिए और दिलों के रिश्तों में खून से ज़्यादा अहमियत होती है। आपके पड़ोसी देश भी आपके भाई हैं और उन्हें भी भाईचारे की नज़रिए से देखिए। तो ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को ब्रदर्स डे की। तो आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और कोरोना काल में जो गाइडलाइन दी जा रही सरकार के द्वारा उस पर लगातार फॉलो कर रहे हैं, वैक्सीनेशन भी आप लोग करवा रहे होंगे और जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग उसके तहत आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि अभी तीसरी लहर भी बाकी है कोरोना की, तो अपने आप को सेफ बनाइए ताकि फिर से हम किसी पर दोषारोपण ना कर सकें, खासकर न गवर्नमेंट पे, न पड़ोसी पे और न अपने आप को। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ। आप अपनी बातों को, अपने विचारों को अपने दिमाग से और दिल से सोचिए, उसके बाद अपने आप को अपना कदम उठाइए और अगर अच्छा लग रहा है तो वैक्सीनेशन जरूर कराइए। क्योंकि भारत सरकार लगातार फोर्स तो नहीं कर रही लेकिन लोगों को जागरूक कर रही है कि वैक्सीनेशन से कोविड से लड़ा जा सकता है। तो ब्रदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर कोई भी भाई किसी घर में आने वाला है, कोई अकेला है, तो उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका भाई आने वाले समय में स्वस्थ हो, दुरुस्त हो और दोनों की जोड़ी राम और श्याम की जैसी हो। तो आए जुड़ते हैं करंट अफेयर की क्लास से और जुड़ते हैं पहले क्वेश्चन से। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने हाल ही में कितनी भाषाओं में ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? तो इसका सही आंसर है 14 भाषाओं को। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने हाल ही में 14 भाषाओं में ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किए हैं। ये 14 भाषाएं अंग्रेजी, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु हैं। यूजर इस ऐप को आधिकारिक वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। खेल मंत्रालय ने किस वर्ष की अर्जुन पुरस्कार विजेता वी तेजस्विनी बाई को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है 2011। खेल मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2011 के अर्जुन पुरस्कार विजेता वी तेजस्विनी बाई को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है। वे वर्ष 2010 तथा 2014 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कबड्डी टीम की सदस्य भी रह चुकी हैं। निम्न में से किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है। ये दोनों ऐप महात्मा गांधी नरेगा के कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए मददगार होंगे। चीन की कैबिनेट सरकार ने हाल ही में एकाधिकार कानून तोड़ने पर किस फाइनेंशियल टेक कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है अलीबाबा। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने हाल ही में अलीबाबा फाइनेंशियल टेक कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि इससे पहले मीटू ऑन, पिंडू ओडुओ टैक्सी सर्विस, डीडी शॉपिंग पर भी जुर्माना लगाया जा चुका था। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति के मामले में झोंग सान सान को पीछे छोड़कर कौन एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो इसका सही आंसर है गौतम अडानी। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति के मामले में चीन के झोंग सान सान को पीछे छोड़कर उद्योगपति गौतम अडानी कुल नेटवर्थ 66.5 बिलियन डॉलर के साथ एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी 4वें स्थान पर हैं। तो बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं गौतम अडानी जी को। 24 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रमंडल दिवस।
24 मई को पूरे भारत में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वर्तमान में भारत सहित विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में राष्ट्रमंडल दिवस अपने 71वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। भारत के किस पूर्व कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारत के दीवार कहे जाने वाली द वॉल के नाम से मशहूर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ को श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है। वे भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री इंग्लैंड में विराट कोहली की टीम के साथ व्यस्त होंगे। तो ढेर शुभकामनाएं राहुल द्रविड़ जी को। रूस और किस देश ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर है चीन। रूस और चीन ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है, जिसके तहत मास्को चीन के 2 शहरों में 4 उच्च शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा, जबकि इससे पहले दोनों देशों ने 2018 में एक पैकेज सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगी होगी और देश विदेश से जुड़ी हुई खबरें आपको लगातार मिल रही हैं, आप लोग लगातार अपडेट हो रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले एग्जाम में भली भांति इस चीज़ से आप वाकिफ होंगे और अपने रिजल्ट को अच्छा करेंगे। लेकिन हमारे क्लासेस को लगातार लोगों तक पहुंचाइए, भारत के कोने कोने तक, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। 2 दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल की क्लास में।